अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो adnansears.com से देख रहे हैं। मेरा नाम जुबैरियन शरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपनी पीपल की एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन अकाउंट के साथ। मैं अपनी पीपल की एप्लीकेशन को ओपन कर लेती हूँ। ये तो मेरे पास इसका एक फ्रंट स्क्रीन व्यू नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ, इसको स्मॉल स्क्रीन पर लेके आऊँ, तो आप ये देखें यहाँ पर इसका ये व्यू नज़र आ रहा है। क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, कोई ऑप्शन हाइड नहीं हुई है मेरी पीपल की एप्लीकेशन में। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट ऐड है। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट आपके पास ऐड हैं, इस साइट पर उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, और यहाँ से जिस भी कॉन्टैक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो अगर हमने कोई कॉन्टैक्ट को सर्च करना है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं और हमने किसी को सर्च करना है, तो हम यहाँ से उसको सर्च कर सकेंगे। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक ही कॉन्टैक्ट है, तो मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि हम अपनी पीपल के एप्लीकेशन में अकाउंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, तो आप देखेंगे मेरे पास एक यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो गया है, एक न्यू आउटलुक कॉन्टैक्ट की ऑप्शन। मैं यहाँ पे नेम चेंज कर लेती हूँ, जैसे कि अगर मैं नेम रखूँगी सपोज सना अली मैंने अगर रखा, फ़ोन नंबर इनका मेरे पास नहीं है, तो मैं सिंपल इनका ई मेल रख देती हूँ। यहाँ पर अगर मैं ई मेल रखूँगी ओके, तो चूँकि इनका जो है वो वर्क ईमेल है, तो मैं यहाँ से इसको वर्क ईमेल कर देती हूँ। यहाँ से अगर मैं और ईमेल ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से और ईमेल ऐड कर सकती हूँ इसमें। इसके अलावा एड्रेस यहाँ पर इसका ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं एड्रेस को फिलहाल जोड़ रही हूँ। इसके अलावा अदर्स में देखते हैं क्या है कि अदर्स में हम ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जॉब टाइटल ऐड कर देती हूँ। जॉब टाइटल में हम रख लेते हैं स्टूडेंट। तो मेरे पास यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल हो गई है। अगर अब मुझे इसको सेव करना है कॉन्टैक्ट को, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, तो ये कॉन्टैक्ट जो है वो मेरे पास सेव हो जाएगा। और अब यहाँ पर मेरे पास दो कॉन्टैक्ट सेव हो गए हैं। मैं इसके ऊपर भी क्लिक करूँगी, यहाँ पर राइट साइड पर उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास शो होना शुरू हो जाएगी। अगर मुझे इस इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसके ऊपर फोटो बाद में लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से नहीं लगाई है। आप जैसे ही ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास फोटो की एक जो कंप्यूटर में लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं इसके कोई इमेज नहीं लगा रही, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इनके अलावा कोई इमेज जो है वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम दोबारा से बैक पे जाते हैं। एडिट में जाकर हम यहाँ से अपने कॉन्टैक्ट्स को डिलीट भी कर सकते हैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके। और यहाँ हमारे पास यहाँ पर और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे हम कॉन्टैक्ट को डिलीट कर भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट को शेयर भी कर सकते हैं। अगर मैं शेयर के ऊपर क्लिक करूँगी, तो यहाँ पर अगर मैं ये इस साइन के ऊपर क्लिक करती हूँ, इसका मतलब ये कि मुझे इसको शेयर करना है, तो यहाँ पर मेरे पास एक शेयर की बार खुल जाएगी। इसमें मेरे पास अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं इसको ई मेल में इस कॉन्टैक्ट को शेयर कर सकती हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ से सिंपल ई मेल की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सेटिंग्स में आप जाएंगे और आप यहाँ पर और भी मल्टीपल अकाउंट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपने कनेक्ट नहीं होना है और कोई भी अकाउंट के साथ, और आपने अपने इस अकाउंट को भी शेयर करना है और आपने इससे कोई ईमेल सेंड करनी है, तो सिंपल शेयर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से ईमेल की एप्लीकेशन में चले जाएंगे। अब आपने देखा कि आपने पीपल की एप्लीकेशन से मेल की एप्लीकेशन ओपन कर ली, और यहाँ पर आप देखें कॉन्टैक्ट की फाइल बन गई है हमारे पास वीसी है। इस कॉन्टैक्ट की फाइल में अब आप देखें हमारे पास जो है वो सना अली जो कॉन्टैक्ट मैंने भी ऐड किया था, उनके कॉन्टैक्ट की जो एक फाइल है वो बन गई है। और अब मैं यहाँ पर किसी का भी ई मेल आई डी लिख कर उसको ये सेंड कर सकती हूँ। तो अगर मैं सेंड नहीं करी, तो मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स की एप्लीकेशन को अपने अपने एड्रेसेस को और अपने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने अकाउंट को या किसी के भी कॉन्टैक्ट को किसी दूसरे इंसान को कैसे सेंड कर सकते हैं, और इससे मेल की एप्लीकेशन को कैसे ओपन कर सकते हैं।